दोस्तों आज के हमारे YouTube चैनल हमारे इलेक्ट्रो ऑब्जेक्ट में स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे तीन स्विच, एक सॉकेट, एक इंडिकेटर, एक होल्डर, टू पिन का सॉकेट कनेक्शन कैसे करें। देखिए दोस्तों, यह हमारा बोर्ड है। एक दो तीन स्विच हैं, एक होल्डर है, एक सॉकेट, एक टू पिन, एक इंडिकेटर का कनेक्शन कैसे करें। हम सॉकेट का एक सॉकेट से इसका कनेक्शन, एक बटन से इसका कनेक्शन, एक इससे इसका कनेक्शन, ये डायरेक्ट रहेगा कि हमारा लाइट पता चलेगा तो हमारा आएगा लाइट जलेगी। दोस्तों हमारी वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, आप वीडियो देख लेते हैं अंत में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना दोस्तों ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले हम ये शुरुआत करते हैं तीन स्विच एक सॉकेट की कनेक्शन कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों हमने तार काट के रख लिए हुए हैं, फिर हमको कनेक्शन करके बताएंगे कनेक्शन कैसे करना है कि आपको कनेक्शन कैसे करना है। हमने वायर काट के रख लिया है, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कौन सा तार कहाँ पे जोड़ना है। ये हम एक सॉकेट का कनेक्शन हमने इसमें दे दिया, ये हम मैं भी हाथ हटा रहा हूँ, आपको हाथ दिख रहा होगा, मैं आपको हाथ हटा रहा हूँ। एक सॉकेट का कनेक्शन एक इसमें दे देंगे, ठीक है दोस्तों। और होल्डर का भी बताते हैं कैसे देना है, पहले हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताते हैं कि कैसे कनेक्शन करना है। बटन से कनेक्शन अभी कैसे करना है, एक बटन से इसको हमने कनेक्शन कर लिया, इसको हमने कनेक्शन कर लिया, एक हमने इसमें वायर डाल दिया, एक तो हमने इसमें वायर लगा दिया, हमने एक कनेक्शन इसमें कर दिया। एक अब टू पिन का कनेक्शन हम इसमें लगा देते हैं, एक हम इसका कनेक्शन इसमें ले लेते हैं, एक इसमें ले लिया और हमने एक इसमें लगा दिया, एक हमने इसमें कनेक्शन लगा दिया, इसको हम कस लेंगे। अब देखिए दोस्तों, आप देखिए एक से हमने इसका कनेक्शन, एक से इसका कनेक्शन और ये इससे कनेक्शन, ठीक है दोस्तों। ये हमारे फेस फेस के तार हो गए। अब आपको अभी न्यूट्रल के तार बताते हैं कैसे करना स्टार्ट, ठीक है। हमने न्यूट्रल के तार हम बताते हैं, एक ये न्यूट्रल के तार हमने इसमें ले लिया, इसको ऐसे हमने लगा लिया, इसको हम अभी हम कस लेंगे, इसको हमने लगा लिया ऐसे, इसको हमने इसका ऐसे कनेक्शन करके इसको हमने ऐसे कनेक्शन कर लिया इसका। ये हमारा न्यूट्रल का वायर है, ये हमारा एक इसमें वायर जोड़ लेंगे। अभी हम बाहर वायर निकालने के लिए हम दोस्तों वायर लिए ले रहे हैं, ये हमारा हमने वायर ले लिया न्यूट्रल का वायर निकालने के लिए। अभी हम आपको चेक करके दिखाएंगे कनेक्शन कैसे क्या होता है और सही है हमारा कनेक्शन कि नहीं, हम आपको सब चेक करके बताते हैं। ये हमारा देखिए दोस्तों, आप कनेक्शन देख लीजिए, आपको ऐसे ऐसे ही करना है, आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा। आप दोस्तों इसी तरह कनेक्शन करिए, मैं तार छील रहा हूँ, ये हमने तार छील लिया, तब हमने तार छील लेते हैं नीचे शॉर्टिंग करने के लिए, उसको हम बाहर निकालेंगे। जो कनेक्शन हमारा था ये न्यूट्रल का तार था हमारा निकल आया, फेस का तार आपको बाकी है। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों प्लीज़ ना भूलें, ठीक है दोस्तों। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको इसी तरह की जानकारी हम आपको और देते रहेंगे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में करिए। आपको इलेक्ट्रिक से संबंधित, लाइट फिटिंग से संबंधित हम आपको हर प्रकार की जानकारी देंगे, आप कोई भी हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको ऐसे कनेक्शन कर लिया, हम इसको वायर को कस लेंगे, इसको कस लिया दोस्तों। ये दोस्तों अभी हम इसमें न्यूट्रल का तार डालना भूल गए हैं, हम इससे एक कनेक्शन इसमें करेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी हम भूल गए तो उसके लिए दोस्तों सॉरी, ये हमने इसका कनेक्शन को वायर भूलना लग गया था, इसको हमने इसमें लगा लिया न्यूट्रल का वायर, ये दोस्तों इसमें हम लगाना भूल गए थे, हम इसको खोल लेते हैं थोड़ा सा, इसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहते हैं हम आपसे। इसको हम इसमें लगा देंगे, इसको हम ऐसे हमने इसमें कनेक्शन कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारे दोस्तों ये कनेक्शन हो गया, आप एक बार देख लीजिए कि आपको भी इसी तरह का कनेक्शन करना है, और कोई भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। अभी ये वाला वायर हमको इधर से इसमें देना पड़ेगा फेस के लिए, फिर बाद में हम बाहर निकालेंगे। मैंने इधर से वायर काट देता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये काट दिया मैंने, और
अभी हम आपको दिखाते हैं कि एक वायर कहाँ से कहाँ कनेक्ट करना है। अभी हम एक वायर इससे लेके, ये हमारा, हम दूसरा वायर एक ले लेते हैं हम, जो बाहर निकालने के लिए हमारा हो जाएगा। आप दोस्तों इस वीडियो ध्यान से देखते रहिए, मैं आपको सब बताता हूँ। दोस्तों वीडियो लंबा होगा उसके लिए थोड़ा सा सॉरी दोस्तों, मैं आपको सब बताता हूँ। इसको हमने ये ऐसे ले लिया फेस कट वायर बाहर निकालने के लिए, ये हमने ले लिया। ये वाला वायर हम इसके बटन वाले पॉइंट पे डाल देंगे। इसके लिए जो दोस्तों माफी चाहता हूँ, आपको बता नहीं पाए, ये हमने निकाल लिया। दोस्तों हमारा कनेक्शन ये कंप्लीट है, दोनों वायर हमारे बाहर निकलने तैयार हो गए। दोस्तों आप देख लीजिए एक बार, आपको इसी तरह कनेक्शन करना है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके मुझको पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों वोल्ट को बंद कर लेंगे। हम दोस्तों ऐसे ही अभी हमने बंद कर लिया आपको चेक करने के लिए, अभी हम दिखाते हैं। अभी हम इसके पेंच नहीं कसेंगे, हम थोड़ा सा इसे फंसा लेते हैं आपको चेक करने के लिए। हमने ऐसे थोड़े दो पेंच बस कस लेंगे इसमें, ये हमने इसको ऐसे कस देते हैं बस दो पेंच आपको चेक करने के लिए वीडियो। फिर हम बाद में आप पेंच कसते रहेंगे, आप ये देखिए दोस्तों पेंच तो आप भी कस लेंगे। ये हमारा बोर्ड है देखिए, अभी दोस्तों हम आपको सब चेक करके दिखाते हैं इसमें। ये हमारे एक्सटेंशन बोर्ड है, ये हमने इसमें वायर रख लिया, ये हमने रख लिया। अभी आपको हम सब चेक करके दिखाते हैं कि कैसे क्या होगा और कैसा हमारा कनेक्शन सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हमने कनेक्शन गलत कर दिया। दोस्तों देखिए हमारा इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा, जल गया होगा। ये देखिए दोस्तों हमारे इसमें पावर आ गई है। अभी हम आपको चेक करके दिखा, जैसे ये हमारा बल्ब होल्डर है, ये हमारा बल्ब होल्डर है, ये रखा है, ठीक है दोस्तों, आपको रख के दिखा दिया। अब हम इसमें एक साकेट में लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा बल्ब जल गया है, तो हमारे ये सर, ये देखिए दोस्तों हमारा बंद हो गया, तो हमारा ये सॉकेट काम कर रहा है, हमारा कनेक्शन सही है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें लगा लेंगे, ये देखिए दोस्तों हमारा टू पिन में भी जल रहा है, हमने बंद किया हमारा टू पिन बंद हो गया, ये हमने चालू किया ये चालू हुआ है, ठीक है दोस्तों। अभी हम आपको होल्डर चेक करके दिखाते हैं, ये होल्डर हमने लगा दिया, ये देखिए दोस्तों हमारा होल्डर भी जल रहा है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा बंद कर दिया, बंद हो गया, चालू किया चालू होगा, ठीक है दोस्तों। हमारा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। आगे भी हम इसी तरह वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।